वेलकम टू एशाज यंग आईएएस, आप सबका स्वागत है। हम स्टार्ट किए हैं हमने सीरीज ऑन साइंस टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर वन से। तो हमने चैप्टर वन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का इनिशियल पार्ट डिस्कस किया था। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट वन का वीडियो देख लो। उसके आगे अब हम जाते हैं पार्ट टू पर। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपेंडिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपेंडिक्स हमारे चैप्टर में आगे भी आने वाला है। तो अपेंडिक्स जो होता है ये एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन है, और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है हम यही चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में एक्चुअली फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जो काव वगैरह जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं उनको, जो अपना खाना चबा के फिर से उसको रिगोगेट करते हैं, तो उनके लिए ये अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। फिर विजडम टीथ होते हैं, अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं, विजडम टीथ हमारे बाद में आती है। तो क्या विजडम टीथ से हमसे हम सच में हमारे लिए जरूरी है खाना खाने के लिए? तो ये भी एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बहुत पीछे होते हैं विजडम टीथ, सबको आते भी नहीं है। 32 दांत जो होते हैं, 32 में से 28 टीथ जो है 28 दांत आते हैं, बाकी चार जो कोने के चार दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, वो विजडम टूथ बोले जाते हैं। विजडम टीथ ये चबाने में काम नहीं आते, तो ये भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर बड़े बड़े एनिमल्स है, डायनासोर्स, वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो अब नहीं रहे। तो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? तो वो आइस एज के टाइम पे जब आइस एज स्टार्ट हुआ तो उनको खाना नहीं मिल पाता था और वो एक्सटिंक्ट हो गए। और थियोरीज भी है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मीटियोर कोलाइड हुआ और वगैरह, उस मीटियोर कोलिजन में भी डायनासोर खत्म हो गए। फिर चौथा सवाल है, व्हाई आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कि अब वो नहीं रहे, तो जैसे डायनासोर पहले थे अब नहीं है, तो उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो काफी सारे ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स है, डोडो करके एक बर्ड है, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो काफी सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिस वजह से एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे पोल्यूशन की वजह से वो उसको झेल नहीं पाते, क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उस उनको खाना नहीं मिल पाता और वो उनका पॉपुलेशन कम कम होके वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये बात है। तो अब हम देख रहे हैं एवोल्यूशन डिटेल में। तो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का डेफिनेशन याद दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या, नई स्पीशीज बन रही, नई जाति बन रही है, तो कैसे बन रही है नई जाति? चेंजेस हो रहे किसमें? कैरेक्टर्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे पेड़ है, तो पेड़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पेड़ के काफी सारे जनरेशन में उनकी उनकी जो अलग अलग मतलब पत्तों के, जैसे पत्ते हैं तो पत्ते चेंज हो गए या कुछ कुछ चीजें ऐसे चेंज हो गई, तो उनकी अलग अलग जाति बनती है। जैसे कि आम होता है, आम के भी अलग अलग वैरायटीज होती है, अलग अलग स्पीशीज होती है, तो वो चेंज, एक ही आम के पेड़ से वो अलग अलग स्पीशीज बनी है ऐसा माना जाता है। तो इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। तो नए स्पीशीज बनती है ड्यू टू चेंजेस, काफी सारे जनरेशन पे चेंजेस होते हैं और उससे अलग अलग नई नई स्पीशीज बनती है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है, नेचर नेचर खुद सिलेक्ट करता है कि कौन सी चीज अच्छी है कैसी। तो एवोल्यूशन माना जाता है इम्प्रूव होता है। जैसे हम कहते हैं पुराने जमाने में बच्चे तो थे वो इतने स्मार्ट नहीं होते थे, आजकल के 4 साल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको स्मार्टफोन चलाना आता है, 2 साल के बच्चों को भी स्मार्टफोन चलाना आता है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेलिजेंस बढ़ रही है, बच्चे और स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचुरली ये हो रहा है। तो आप कंपेयर करोगे जनरेशन को तो फर्क है। तो ये इसको एवोल्यूशन बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स काफी सारे जनरेशन पे ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की गई है। तो बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली जो है, कैसे यूनिवर्स शुरू हुआ वो एक थ्योरी है कि एक बिग बैंग हुआ, क्योंकि टाइम शुरू हुआ, टाइम कब शुरू हुआ, अर्थ कब बना, तो उसके लिए एक थ्योरी है ये कि एक 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 बैंग हुआ, बड़ा सा बैंग हुआ जिससे जो एक मटेरियल था वो इतना फैला कि पूरा यूनिवर्स बना है, उससे सारे प्लैनेट, स्टार्स, दी अर्थ, सन, सारा कुछ उससे बना है। तो ये बिग बैंग थ्योरी एक है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात किया हुआ है कि काफी सारे फिलोसोफर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स ने लिखा है कि दुनिया में
लाइफ कैसे आई। तो काफी सारे कल्चर्स में ये सब बातें हैं, इंडियन कल्चर, चाइनीज कल्चर, सो अलग अलग इंफॉर्मेशन उनके बारे में होती है। तो हमारे इंडियन कल्चर में भी इंफॉर्मेशन है कि प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स कैसे बने, तो जो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको, हम भी प्रोमिनेंट, इंडियन कल्चर भी प्रोमिनेंट है उसमें। तो फिर यहाँ पे अब थियोरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है? थियोरी ऑफ एवोल्यूशन जो है कि ये लाइफ दुनिया में आई कैसे, तो ऐसे माना जाता है कि दुनिया में लाइफ सबसे पहले पानी में आई, ओशन में आई, और जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल है ये उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, कि ये फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो है वो प्रोटोप्लाज्म ओशन में शुरू हुई लाइफ, और उससे धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे बने, और उसके बाद फाइनली हमारे पास इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह है। तो ये जो शुरू में जो लाइफ आई वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेल्यूलर का मतलब है एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। फिर धीरे धीरे चेंजेस हुए उनमें, और उनसे फिर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, लार्जर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनने लगा। ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे थे, ये अराउंड 300 करोड़ साल तक ये चेंजेस हुए, तो फाइनली एवोल्यूशन हुआ और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने। तो ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है। तो ये जो एविडेंस है कि ऐसे हम मानते हैं कि मतलब एक चीज से, एक पेरेंट से, मतलब अलग अलग तरीके के स्पीशीज आए हैं काफी जनरेशन से, तो ये हम क्यों मानते हैं, इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि एवोल्यूशन हुआ और एक यूनिसेल्युलर से इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बने। तो उसके लिए ये थियोरीज, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है, इसके अंदर 6 पॉइंट्स है। ये आपका सवाल भी है, आप पीछे अगर देखोगे तो हम देखेंगे, इसका एक कंसेप्ट चार्ट है, और कंसेप्ट चार्ट के सवाल काफी आते हैं एग्जाम में। ये देखो, इसके अंदर 4 बॉक्सेस दिए गए, एक्चुअली 6 बॉक्सेस है, और इसके अंदर 2 फिल किए हुए भी है। ये 2 मार्क का सवाल आता है अगर कंसेप्ट चार्ट आएगा तो, और 4 ब्लैंक बॉक्सेस होंगे। तो हो सकता है 2 लिखे बाकी 4 आपको लिखने हैं, या 4 ब्लैंक है और आपको लिखने हैं, और एक्चुअली ये सवाल आ भी चुका है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का। तो ये सवाल आ चुका है इन फर्स्ट ईयर 2019 इटसेल्फ। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, और इसके अंदर ये 2 ऐसे कुछ लिखा नहीं था। तो हम अभी देखने वाले आगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, 6 एविडेंसेस है, उसमें से आपको कोई 4 लिखना है। तो अब हम ये 6 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे जिससे हम ये मानते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है दिखने में सिमिलर है, जैसे यहाँ पे देखो कुत्ता दिया हुआ है, शीप, फॉक्स, तो डॉग, शीप और फॉक्स की फोटो आप देख सकते हैं, ये सिमिलर इनके फीचर्स है, सेम नहीं है पर एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है। तो ये जो सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर ऑफ माउथ में, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो खड्डे है वो, और ईयर पिन्ना जो कान है, और ये जो बाल है उनके बॉडी पे, तो ये सब सिमिलैरिटीज है। एनिमल स्पीशीज में भी आप देख सकते हैं, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, जैसे ट्रीज में भी, प्लांट्स में देखो आप, ये है लीव्स, सिमिलर है ना? लीफ का शेप, लीफ में जो ये लाइंस होती है, वेनेशन बोलते हैं उसको, लीफ का जो पिटियोल होता है, ये सारे इसमें सिमिलैरिटीज है। तो ये जो सिमिलैरिटीज है प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो इससे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, या हर एविडेंस, 6 एविडेंस जो हम डिस्कस करेंगे सब में आएगा। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में भी, यहाँ देखो ये सब सिमिलैरिटीज है, दिखने में सिमिलैरिटीज है, उसको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। तो इससे ये हम ये प्रूव होता है कि देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है, शुरुआत हुई है, वो सेम है, और इनके एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज जो हमारे बाप दादा है, इनके जो ये बाप दादा है इनके, वो कॉमन थे, तो इनमें से अलग अलग स्पीशीज बनी है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जो बोन्स वगैरह होती है, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 दिए गए, देखो, ह्यूमन का हैंड, कैट का आगे का पैर, बैट का जो विंग्स होते हैं उसको बोलते हैं पैटेगियम, तो बैट का पैटेगियम, और वेल के जो फ्लिपर्स होते हैं, जो उसका सबका बोन स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोन जॉइंट्स, थोड़ी सिमिलैरिटी दिखती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रूव होता है कि दीज एनिमल्स हैव कॉमन एंसेस्टर्स। फिर तीसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, हमने एक अपेंडिक्स के बारे में बात किया, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका मतलब क्या होता है वो भी यहाँ दिया हुआ है, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब डीजेनरेटेड मतलब अब जनरेट तो हुआ है लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, डीजेनरेटेड है, कुछ काम का नहीं है, और अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरह
डेवलप नहीं हुआ, यूजलेस है, काम का नहीं है। तो हमारे बॉडी में भी ऐसे ऑर्गन्स है, जैसे दो हमने देखे अपेंडिक्स और विजडम टीथ, तो हमारी बॉडी में है पर हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो सच स्ट्रक्चर्स बिगिन टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमने क्या, नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है तो आगे के जनरेशन में इसका यूज नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाते। तो हो सकता है आगे के जनरेशन में ह्यूमंस में भी अपेंडिक्स हो ही ना। आप देखते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो अपेंडिक्स को काट डालते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स सूज जाता है। तो उसकी जरूरत नहीं है बॉडी में, कुछ काम नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में, और कभी कभी जब वो सूज जाता है उसमें प्रॉब्लम आता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, सिर्फ काट देते हैं, निकाल देते हैं बॉडी से, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये नॉन फंक्शनल है ह्यूमंस में, लेकिन ऑर्गेनिजम्स है जिनमें अपेंडिक्स भी फंक्शनल है। जैसे हमने कहा रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मतलब काओ जैसे ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर उनको डाइजेशन में अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इससे पता चलता है जब वो ऑर्गेनिजम्स में भी है, हमें भी है, हालांकि हमें जरूरत नहीं है, तो ये माना जाता है कि हमारा जो जो ओरिजिन है वो सेम है, हम सिमिलर ऑर्गन्स से बहुत समय पहले ये हम तो उसी से बने हैं, हमारे एंसेस्टर्स सेम है। तो ये अपेंडिक्स के बारे में है। फिर मसल्स ऑफ योर पिना भी है, हमारे कान में भी मसल्स होते हैं। तो कान में मसल्स है, हम कान अब जनरली देखोगे तो लोग कान नहीं हिला सकते, कुछ कुछ लोग अपने कान हिला सकते हैं बिना टच किए। तो वो जो होता है ये ह्यूमंस में इसका कुछ काम नहीं है, कोई लोग कर पाते कोई लोग नहीं भी कर पाते, पर मंकी इसके लिए जरूरी होता है, वो अपना ईयर पीना हिला के वो बेटर हियर कर सकते हैं। तो हमारे लिए यूजलेस है पर मंकीज में यूजफुल है। जैसे अपेंडिक्स हमारे लिए यूजलेस है, रूमिनेंट्स में यूजफुल है, काउ वगैरह में, तो वैसे ही ये ईयर पीना। तो हमने देखे एक ऑर्गन अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ ईयर पीना, तीसरा टेल बोन। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे रीढ़ की हड्डी पे है, जो यहाँ पे एक टेल बोन भी है। तो पूंछ, ह्यूमंस में पूंछ नहीं होती है, पर ये टेल बोन जो है, जो बाकी ऑर्गेनिज्म में टेल बोन होती है और पूंछ होती है, तो हमारे में टेल बोन है, हालांकि पूंछ हमारी अब नहीं है। तो यही माना जाता है कि हम उन्हीं से बने हो, हमारे पूर्वज फिर से सेम है, वही माना जाता है। तो इसलिए हमारा टेल बोन अभी भी रह गया है, अभी तक वो गया नहीं। तो ये टेल बोन, विजडम टीथ और इवन बॉडी हेयर, हमारी बॉडी पे भी हेयर है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, पर एनिमल्स की बॉडी पे हेयर होती है, उनको जरूरत होती है, वो कपड़े नहीं पहनते, वो अपने आप को विंटर में बचा नहीं सकते, तो हमारे बॉडी पे भी हेयर है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। तो ये सब जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमें है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में ये यूजफुल है, तो हमारे में वेस्टिजियल है। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि हमारे कॉमन एंसेस्टर्स है। ये एक्चुअली क्वेश्चन भी है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीछे एक्सरसाइज में सवाल भी है इसका, हम वो सवाल भी देख लेंगे, तो आप इजीली यहाँ से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो डेफिनेशन फर्स्ट सेंटेंस ही था, राइट नेम्स ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी एंड राइट नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स इन होम सम ऑर्गन्स आर फंक्शनल। तो मंकी और रूमिनेंट्स का दो एग्जाम्पल, तो ये आप पूरा आंसर वहां से लिख सकते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हुआ। तो हमने तीन देखे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और वेस्टिजियल, और तीन बचे हैं, चौथा है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो ये आप देख सकते हैं इसको फॉसिल्स बोलते हैं, जो पुराने एनिमल्स है उनकी हड्डियां मिली है, ये डायनासोर वगैरह, फिश वगैरह, ये फॉसिल्स है। फॉसिल्स क्या होता है उसका भी डेफिनेशन दिया है, रेमनेंट्स मतलब जो रिमेन है, जो बच गया है, रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस, उनके जो छाप रह गए हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो अंडरग्राउंड प्रिजर्व रहते हैं। अंडरग्राउंड जब जमीन बहुत नीचे खोदे जाती है तो ये मिलते हैं, तो उसको फॉसिल्स बोलते हैं, रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस, हड्डियां हो सकती है और गला हुआ हिस्सा, ऐसे सिर्फ इम्प्रेशन हो सकता है उसका सिर्फ, तो इसको फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स से भी हमको काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर जैसे जैसे हम और नीचे नीचे खोदते जाते हैं तो लोअर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो ऊपर जो आप देखते हैं जैसे यूनिवर्स भी इवॉल्व हुआ, तो काफी सारे एराज बोले जाते हैं, जैसे पैलियोजोइक एरा बहुत पुराना जमाना, फिर मीसोजोइक एरा आया जब डायनासोर्स थे, फिर सीनोजोइक एरा। तो हम जब जमीन भी और खोदते हैं तो एकदम नीचे जो एनिमल्स मिलते हैं जिनके फॉसिल्स, वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। फिर आते हैं पाइसेस मतलब फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर आए डायनासोर्स भी, और फिर बर्ड्स और मैमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। तो इससे पता चलता है नीचे हायर ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स नहीं है, मतलब ये एवोल्यूशन सच है कि एवोल्यूशन हायर ऑर्गेनिज्म का लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो ये है, तो ये कार्बन डेटिंग मेथड को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल्स या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस समझने के लिए कि कैसा होता है।
जो भी लिविंग मटेरियल है वो कार्बन से बना होता है, और कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब कार्बन के अलग अलग टाइप्स। तो एक है C14, सी मतलब कार्बन, कार्बन 14, और C12, तो ये दो आइसोटोप्स है, और ये दोनों हमारी बॉडी में होते हैं। और हमारी बॉडी में कार्बन कंजम्पशन, मतलब हम कार्बन अंदर लेते ही रहते हैं, हमारी बॉडी में कार्बन यूज होते ही रहता है। तो कार्बन एनिमल्स और प्लांट्स सब कंज्यूम करते रहते हैं, तो कार्बन का जो बैलेंस है वो हमेशा रहता है। एक रेशियो, जो रेशियो होता है कार्बन 12 और कार्बन 14 का, वो हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन जब एनिमल की, प्लांट की डेथ हो जाती है, तो कार्बन कंजम्पशन बंद हो जाता है, लेकिन कार्बन डीके होना, मतलब डीके होना मतलब उसका ब्रेक डाउन होना कंटिन्यूअसली चालू रहता है। तो कार्बन डीकेइंग जो होता है ना, वो सिर्फ कार्बन 14 का होते रहता है। तो कार्बन 12 कॉन्स्टेंट हो जाता है, और कार्बन 14 का डीके शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्बन 12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, तो उसका डीकेइंग नहीं होता। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, तो उसका डीकेइंग होता है। डीकेइंग मतलब ब्रेक डाउन। तो हम जब ये रेशियो देखेंगे कि कार्बन 14 कितना है, कार्बन 12 कितना है, तो जो नॉर्मल एनिमल का रेशियो होता है उससे हम अब कंपेयर करेंगे कि अभी कार्बन 12 कितना कम हुआ है, कार्बन 14 कितना कम हुआ है। तो कार्बन 14 के उसके रेशियो से हमको पता चल सकता है कि कितना टाइम हो गया डीके शुरू होकर, क्योंकि कार्बन 14 का डीके का एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है, कितने टाइम में कितना डीके होगा। तो उससे, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो हम ह्यूमन फॉसिल्स की और मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पुरानी लिखी हुई जो बुक्स है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, क्योंकि वो पत्तों पे या तो लकड़े पे ऐसे लिखे जाती थी। तो वो सब पुराना जो मिला है, तो कब कौन से जमाने का है, वो हमको उसकी एज पता चल सकती है कार्बन डेटिंग मेथड से। तो कार्बन डेटिंग मतलब C14 डीके कंटिन्यूअसली चालू होता है, लाखों साल बाद भी उसका डीकेइंग धीरे धीरे कम 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 होते ही जाता है, तो वो ब्रेक डाउन होते ही जाता है। तो इससे ये तरीका है। तो जब ये कार्बन डेटिंग मेथड करके फॉसिल्स की एज पता की जाती है, तो पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स बाद में आए, इनवर्टिब्रेट्स काफी पहले से थे। तो ये है, और ये कार्बन डेटिंग मेथड जो ये डेवलप किया था साइंटिस्ट विलर्ड लिब्बी ने, उनको भी नोबेल प्राइज मिला 1960 में इसके लिए। तो ये हमारा फोर्थ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन था, पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस जो फॉसिल्स से रिलेटेड है। फिर है फिफ्थ, कनेक्टिंग लिंक। अब ये कनेक्टिंग लिंक में तीन एनिमल्स, तीन ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है। एक है डक बिल प्लेटिपस, लंग फिश और पेरिपेटस। तो ये तीनों क्या है, इसके बारे में हम यहाँ और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले पेरिपेटस के बारे में। पेरिपेटस इसमें लिखा है कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। अब ये एनेलिडा क्या है और आर्थ्रोपोडा क्या है, नए वर्ड है हमारे लिए, पर ये 10th स्टैंडर्ड की बुक में नए नहीं रह गए। ये पेरिपेटस है, हम पहले देखेंगे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा क्या है। ये एक्चुअली आपके चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, ये पेज आप देख सकते हैं इन योर टेक्स्ट बुक पेज 61 पे। तो इस चैप्टर में सारे फाइलम्स, एनिमल किंगडम के फाइलम्स दिए हुए, तो आप यहाँ पे देखिए ये रहे सारे फाइलम्स। तो यहाँ आप देखो नंबर 6 और नंबर 7 पे है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। और नीचे चैप्टर में जाओगे तो आपको और डिटेल दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 69 पे आप देख सकते हैं एनेलिडा फाइलम कौन सा होता है, अर्थवर्म, लीच, ये सारे जो कीड़े होते हैं इनको एनेलिडा कहते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये एनेलिडा फाइलम है। इसके हायर ऑर्डर फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब ये जो इंसेक्ट्स है, क्रैब, स्पाइडर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, तो ये आर्थ्रोपोडा आते हैं। तो एनेलिडा आप देख सकते हैं कीड़े ऐसे दिखते हैं, और आर्थ्रोपोडा ऐसे दिखते हैं जिनके पैर भी होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जो ये पेरिपेटस है, कनेक्टिंग लिंक हम जो देख रहे हैं, उसके अंदर पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। मतलब एनेलिडा कीड़े की तरह भी दिखता है और आर्थ्रोपोडा की तरह भी दिखता है। इसके एंटेना भी है, जैसे कॉकरोच बटरफ्लाई के एंटेना होते हैं, और पैर भी थोड़े बड़े। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, मतलब जब हम ये मानते हैं कि लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स बने हैं, उससे इवॉल्व हुए, एवोल्यूशन जो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है कि यूनिसेल्यूलर एक सेल के ऑर्गेनिज्म जो पानी में मिला उससे सारे बड़े ऑर्गेनिजम्स बने, तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है, बताता है कि इनके इनके थ्रू ये इवोल्यूशन हुआ है। तो ये बीच के ऑर्गेनिजम्स है, तो ये कनेक्टिंग लिंक भी एक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। एक है पेरिपेटस, दूसरा है डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मेमल्स के बीच में। तो रेप्टाइल्स एंड मेमल्स एक्चुअली फाइलम होता है कॉर्डेटा, जिसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, हम भी मेमल्स हैं, तो ये क्लास होती है।
ये भी आपके एनिमल किंगडम चैप्टर में है। तो रेप्टाइल्स मतलब के जैसे स्नेक, लिजर्ड एक्सेट्रा, तो रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, और मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को, यंग वंस को पैदा करते हैं, जैसे कि गाय गाय बकरी वगैरह, तो ये मैमल्स होते हैं। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स का एक कनेक्टिंग लिंक है ये। मैमल मेमोरी ग्लैंड भी है इसके पास, मैमल्स में जैसे मेमोरी ग्लैंड होते हैं, हेयर होते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड हेयर भी है, और इसके ये अंडे देता है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक हो गया रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, तो ये है। और तीसरा है लंग फिश। तो लंग फिश जो है ये फिश की तरह है, लेकिन ये रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है इसके पास। ये फिश है लेकिन लंग्स किसके पास होते हैं? एम्फीबियंस के पास। एम्फीबियंस कौन सी क्लास है? जो एम्फीबियंस मतलब के जैसे फ्रॉग, नो क्रोकोडाइल, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो लंग फिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिश। तो ये तीन एग्जाम्पल से ऑलरेडी 2019 के बोर्ड के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका है। डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड एंड आर्थ्रोपोडा, उसका आंसर आएगा पेरिपेटस। और 2020 के पेपर में भी इसके ऊपर सवाल आ चुका है 1 मार्क के लिए अगेन, के क्वेश्चन था आई एम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया एंड मैमल्स, व्हाट इज माय नेम? तो उसका आंसर आता है डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये दोनों पूछ चुके 2019 और 2020। और लंग फिश इजी है, लंग फिश फिश है, तो इट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिश। तो ये हमारा फिफ्थ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन था, कनेक्टिंग लिंक। और लास्ट सिक्स्थ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। तो ये एम्ब्रायोज दिए गए हैं, इनके स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन बताया गया। तो एम्ब्रायो मतलब जो इनिशियल, जब बच्चा बनता है तो जो छोटा सा जो पहला हिस्सा होता है, जो पहला दिखता है वो इनिशियली, उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। तो ये एम्ब्रायो जो है ये फर्स्ट स्टेज में है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये देखो ये फिश का एम्ब्रायो, ये सेलेमेंडर का एम्ब्रायो, ये भी एक एनिमल होता है, टॉर्टोइस का एम्ब्रायो, चिकन का एम्ब्रायो, पिग का, काउ, रैबिट, और ये मैन। तो जब हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं इन सबका, धीरे धीरे इवॉल्व होते, देखो ह्यूमन एम्ब्रायो, फिर बड़ा होकर बच्चा पेट में जब पूरा 9 महीने हो गए जैसे, तो ऐसे दिखता है। वैसे ये सारे एनिमल्स है, लेकिन जब फर्स्ट स्टेज हम देखेंगे तो सारे सिमिलर दिखते हैं, जो सारे एम्ब्रियो सारे के सिमिलर है। ये सारे वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जब सारे वर्टिब्रेट्स के जब हम एम्ब्रायोज देखते हैं तो इनिशियल स्टेज में काफी सिमिलर दिखते हैं। तो ये भी एक एविडेंस है कि इसका मतलब हमारा हमारे कॉमन ओरिजिन। तो ये एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो ये सिक्स एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये सवाल भी आ चुका है और रिपीट भी हो सकता है, और किसी एक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। हालांकि पीछे भी ये सवाल है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में। फिर नेक्स्ट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन्स थ्योरी, चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन लिए, मतलब उनके एक सैंपल लिए और उसके उनको ऑब्जर्व किया, और उसके ऊपर बेस करके अपनी एक थ्योरी बनाई जिसकी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो चार्ल्स डार्विन की है। तो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो बेस्ट है, फिटेस्ट है, वो सर्वाइव करेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की इसके ऊपर, उसका बुक का टाइटल है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने रेड में मार्क किया ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये इनकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, लेकिन इसके अंदर थोड़े ऑब्जेक्शन है ये थ्योरी में। तो ये तीन ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ऑब्जेक्शंस जो है वो ये है कि पहला है कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन तो होता है, ये सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं होते, और भी रीजन है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ है, मतलब एवोल्यूशन में और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर। दूसरा है डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, मतलब चेंजेस होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशन है वो यूजफुल है, थोड़े यूजलेस है। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कि क्यों ये यूजफुल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं यूजलेस। और तीसरा है कि उन्होंने ये एक्सप्लेन भी नहीं किया कि स्लो चेंजेस कब होते हैं और एब्रप्ट चेंजेस कब होते हैं। तो जो म्यूटेशन थियरी हमने देखा वो एब्रप्ट चेंजेस है, और ये एवोल्यूशन जो स्लो चेंजेस है, तो एक्सप्लेनेशन इसके बारे में भी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन फिर भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे है अबाउट चार्ल्स डार्विन, दिया हुआ उनके बारे में, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे।
दूसरे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे चैप्टर में एवोल्यूशन के लिए, वो है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इनकी थ्योरी को कहते हैं लेमार्किज्म, और इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्योरी दी कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमने देखे मतलब दिखने में जो चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इनकी वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से एवोल्यूशन हो रहा है, और ये रीजन क्यों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्यों दिखने में चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज और लेजीनेस। मतलब इनका कहना था कि हम अगर कोई ऑर्गन को यूज करेंगे तो वो एवोल्यूशन होगा उसका, और कोई ऑर्गन को यूज नहीं करेंगे तो वो फिर डिसयूज में आ जाएगा। जैसे कहा जाता है बच्चों को भी कई बार कि आप दिमाग यूज नहीं करोगे तो आपका दिमाग सड़ जाएगा, तो ऐसी उनकी थ्योरी थी कि अगर आप यूज करोगे तो वो इवॉल्व होगा, आप यूज नहीं करोगे तो वो लेजीनेस होगी, एक्टिव रहोगे तो यूज करोगे तो बढ़ेगा और आप होशियार बनोगे, और नहीं यूज करोगे तो आपका जो ऑर्गन है वो काम नहीं करेगा। तो ये इनकी थ्योरी थी प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इन्होंने 5 एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है नेक ऑफ जिराफ का। तो जिराफ की गर्दन जो है वो बहुत लंबी होती है, तो वो क्यों लंबी होती है, उसके लिए कहा गया है कि वो लंबे लंबे झाड़ों पे उनके पत्ते खाने के लिए वो अपनी गर्दन को खींचता गया खींचता गया, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी सेवरल जनरेशन पे उसकी गर्दन फिर लंबी हो गई। तो ये उन्होंने एक थ्योरी दी। दूसरा उन्होंने कहा कि आयरन स्मिथ जो होते हैं, जो लोहार का काम करते, तो वो उनके शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो काफी उस हैमरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से उनके शोल्डर्स यूज करते अपने मसल्स, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं शोल्डर्स। फिर तीसरा उन्होंने कहा बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच और एमू है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल कि इनके जो पर है ये उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा बर्ड होता है तो उसके विंग्स होते हैं पर वो उड़ नहीं सकते, तो क्यों नहीं उड़ सकते, क्योंकि ये लोग उड़ते नहीं थे तो उनके पंख वीक हो गए और वो अब उसको यूज ही नहीं कर पाते, तो ये तीसरा उन्होंने दिया। चौथा उन्होंने कहा कि लेग्स होते, बर्ड्स लाइक स्वान डक उनके लेग्स होते पर ये वो स्विमिंग के लिए यूज करते, तो वो लेग्स से स्विम कर पाते, वेब्ड लेग्स होते उनके, तो ये क्यों, क्योंकि वो उसको यूज करते थे इसलिए वो लेग्स से स्विम कर पाते क्योंकि वो पानी में रहते थे। और स्नेक्स, स्नेक्स का कहा जाता है कि स्नेक्स ने अपने के पैर थे पर अब वो मॉडिफिकेशन में वो पैर खो गए, क्योंकि वो चलते नहीं थे, वो जमीन में ही खोद के रहते थे, बरोइंग हैबिट थी उनकी, जमीन में खड्डे करके रहते थे, तो वो स्नेक्स के भी लेग्स मॉडिफाई हो गए, लेग्स नहीं है, दे हैव लॉस्ट देयर लेग्स। तो ये 5 एग्जांपल्स हैं, नेक ऑफ जिराफ, शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान्स एंड डक्स, और स्नेक्स, स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स। तो इसको कहते हैं कि ये सब एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कैरेक्टर्स उन्होंने अक्वायर किए, मतलब वो उनके उनको पहले से नहीं मिले थे, उन्होंने खुद कर करके एक्टिविटी करके या लेजीनेस करके उसको अक्वायर किया या लूज किया, यूज किया, यूज या डिसयूज से। तो ये जो उनकी थ्योरी थी, इसको ये अक्वायर किया है वो एक बात है, पर अब जिराफ पहले गर्दन छोटी थी, अब गर्दन लंबी है, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनकी भी गर्दन लंबी होती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये ट्रांसफर होते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्योंकि हम हेरिडिटी चैप्टर कर रहे हैं, हेरिडिटी के ऊपर है, तो इनका ठीक है, उन्होंने तो किया, उन्होंने यूज किया, एक्टिव रहे, उन्होंने यूज किया, वो गर्दन लंबी हुई, लेकिन बच्चों की भी होगी, उनके बच्चों को भी मिलेगा, ये अक्वायर करेंगे वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कहते हैं लमार्किज्म। तो ये लमार्किज्म है, तो एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है जिस जो चार्ल्स डार्विन ने दिया, और ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स जिसको इवन लेमार्किज्म बोलते हैं, जो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया है। तो ये अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी, इसका शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, तो आपको ये सारा लिखना होगा उसमें। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो थे ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, फ्रेंच थे, डार्विन इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे। फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पे, देखो अभी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल, ये वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। मतलब लेमार्किज्म के एक हिस्से को एक्सेप्ट किया गया, दूसरे हिस्से को रिजेक्ट किया गया, तो लेमार्क की थ्योरी एक्चुअली थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अग्री नहीं किया गया। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप अपना दिमाग ज्यादा यूज करोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, इंटेलिजेंट बनोगे आप, लेकिन वो चीज आप जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफर होगी, वो रिजेक्ट किया गया।
ये एक पॉइंट था कि ट्रांसफर नहीं हो पाई। तो ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, अगर ये हो सकता है। इसको एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, मतलब अक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है ये ग्लवार की थ्योरी है, लेकिन वही जैसे हमने कहा इस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अगला है स्पीसिएशन। अब ये स्पीसिएशन क्या होता है? तो स्पीसिएशन मतलब नई स्पीशीज बन रही है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर बन रही है तो एवोल्यूशन से, तो उसको स्पीसिएशन कहते हैं। तो काफी सारे रीजंस होते हैं इसके लिए। क्या एक है जियोग्राफिकल रीजंस के अलग अलग रीजन में रह रहे, तो जैसे रीजन में रह रहे उस हिसाब से उन अलग अलग स्पीशीज बनती है। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि वो एक ही एरिया में वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक एरिया में जो स्पीशीज आ रही है वो अलग है, दूसरी एरिया में स्पीशीज आ रही है वो अलग है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ज्योग्राफी की वजह से अलग अलग रीजन में वो है, इस वजह से अलग अलग स्पीशीज बनती है, तो इसको कहते हैं स्पीसिएशन। तो ये है। और जेनेटिक वेरिएशन भी होता है, अलग अलग स्पीशीज, अगर जीन्स अलग हो गए तो नई स्पीशीज बनेगी। तो ये तीन रीजंस है, जेनेटिक वेरिएशन, ज्योग्राफिकल डिफरेंस और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसकी वजह से स्पीसिएशन होता है। स्पीसिएशन का मतलब है नए स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स के बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिर अगला है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि डायनासोर जो है वो लास्ट डायनासोर जो है वो 7 करोड़ साल पहले अर्थ से गायब हो चुके, खत्म हो चुके हैं। अब डायनासोर नहीं है, लेकिन एप लाइक एनिमल्स आए थे, एप लाइक एनिमल्स। तो इसका पूरा जो टाइमलाइन है कि कब एनिमल्स आए, कब एप्स आए, उसका पूरा ये नीचे दिया गया है। तो एप लाइक एनिमल्स सबसे पहले अफ्रीका में थे, गोरिल्ला, चिंपेंजी, ये सब आए, फिर एप्स है, फिर उसके बाद ह्यूमंस। तो ये पूरा एवोल्यूशन है, जैसे कहते हैं आदमी बंदर से बना है। तो ये बंदर धीरे धीरे, यू कैन सी उसका जो एवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे 4 पैर से 2 पैर पे आए हैं और फाइनली ये ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है, एक है रामापिथेकस जो हमारा नीचे आएगा। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं 4 पैर पे था, लेकिन ये थोड़ा खड़ा हो गया। तो रामापिथेकस इज फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल कौन सा, जो ह्यूमन की तरह दिखता है, वो रामापिथेकस। एनिमल ही है लेकिन ह्यूमन की तरह दिखता है, ऐसे बोला जा रहा है। और ये ईस्ट अफ्रीका में पाया गया है इसका फॉसिल। और फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन, वाइज मैन मतलब कि जो ह्यूमन जैसे माना जाता है, जिसके ब्रेन है, जो एनिमल से अलग है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है नियंदरथल। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो नियंदरथल और रामापिथेकस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ये याद रखना है आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रामापिथेकस, और फिर नीचे आप यहाँ पे है नियंदरथल में। तो हम जो हमारी स्पीशीज है, हमको कहा जाता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब वाइज मैन। तो वी आर होमोसेपियंस, ह्यूमन जो आज हम है वो होमोसेपियंस है। तो ये, और फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन इज नियंदरथल मैन। और ये एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है, सैंपल पेपर आए थे 2019 में, 19 बोर्ड के लिए, तभी यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अब तक पूछा नहीं है तो आगे पूछ सकते हैं। नियंदरथल मैन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन 2019-20, 2 साल के पेपर में ये नहीं पूछा गया है। तो यही है, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर के। फिर तो एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चन नंबर 1 इजीली कर सकते हैं, आई एम श्योर। ये है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर है ये पूरा। तो यहाँ पे आपको अपने खुद के वर्ड्स में कहना है, जैसे ये पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का ये पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 7 करोड़ ईयर्स से हुआ है। तो ये यहाँ पे जैसे हमने बोला लास्ट डायनासोर 7 करोड़ ईयर्स में, थोड़ा थोड़ा आप टेल ऑफ मंकीज डिसअपियर हुए 4 करोड़ साल पहले, तो यहाँ से आप एक गोरिल्ला चिंपेंजी आए 2.5 करोड़ साल पहले, फिर रामापिथेकस आए और ह्यूमंस। तो एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, इसके बारे में आप थोड़े स्टेटमेंट्स लिख सकते हो।
ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली लीड्स टू स्पीसिएशन। तो वो पैराग्राफ हमने देखा है स्पीसिएशन का, वहां से आप लिख सकते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस वाले पैसेज से आप ये लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये फेटल नहीं आएगा। देर इज एविडेंस ऑफ फीटल साइंस अमंग कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स मतलब वर्टिब्रेट्स। तो ये हमारा एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस जो है उसके ऊपर है। फीटल फीटस जो इनिशियली बच्चा होता है, जो एम्ब्रियो जो होता है वो फीटस जो कहते हैं। तो एविडेंस ऑफ फीटल साइंस होना चाहिए। ये स्पेलिंग गलत दी गई है यहाँ पे, FOETAL आना चाहिए, फीटल। तो ये आपके चैप्टर में से सवाल है। और यहाँ पे ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ ब्रैकेट में आपको आंसर्स दिए गए, कौन सा कहाँ आएगा आपको लिखना है, ए बी सी डी ई। इसमें से हमने सी ऑलरेडी देखा था, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट। वेस्टिजियल ऑर्गन इज अपेंडिक्स, जो ह्यूमन बॉडी में है। तीन तो आप लिख सकते हैं। ए वाला भी हमने शुरू में ही देखा, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी ब्रिस हमने मार्क किया है। और जो बी वाला सवाल है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये दो नाम टेक्स्ट बुक में नहीं आते, ये चैप्टर में नहीं आते, जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टैटम। पर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा हमने, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये किससे होता है, थ्रू जीन्स। तो ये प्रूफ इसका इन्होंने दिया था। फिर आगे क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट नोट है, हमने ये सब कुछ स्टडी किया अभी, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमने ऑलरेडी देखा, ये बड़े आंसर्स है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन नंबर टू हमने देखा, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमने देखा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से आया है, और प्रूफ सपोर्टिंग इट, सारे छह प्रूफ है। तो आप एक एक लाइन उनके ऊपर लिख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से लेके पूरा एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस सारे छह के ऊपर। और ये फिर डी है एक ही एनाटॉमिकल एविडेंस के ऊपर है, तो उसके एग्जाम्पल्स देखे आप बताओ। तो हमने चार एग्जाम्पल्स देखे थे, ह्यूमन हैंड और बैट का, वेल का वगैरह। फिर डिफाइन फॉसिल्स, तो ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में है, एक्सप्लेन करो। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हमने लास्ट में देखा है जो। और ये हाउ आर हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, तो ये अलग सवाल नहीं है एक्चुअली, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर ही है, क्योंकि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाला ही आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये वही सिमिलर, ए और सी सिमिलर आंसर आएगी, बल्कि सी ज्यादा बड़ा आंसर है, क्योंकि प्रूफ के बारे में भी डिटेल लिखना है। तो वही है, ये आप सिमिलर समझ सकते हैं। तो ये सारे आपके आंसर्स जो है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो होपफुली आपको सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, एंड ये सेशन बेनिफिशियल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।